हाय दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं दी क्रैक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 एप्लीकेशन जो हर एक यूट्यूब क्रिएटर यूज करते हैं अपने चैनल को रन करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन किसके लिए काम में आता है। जितने भी एप्लीकेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे के सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर है तो इन के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कौन से वो एप्लीकेशन है जो आपको अपने मोबाइल पर रखना है तो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी एप्लीकेशन को आप यूज़ में ले सकते हो अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो और उस टॉपिक का जो कीवर्ड है उसके ऊपर आपको व्यूज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको ट्यूबबडी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे है, तो आपको ट्यूबबडी एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको टैग एक्सप्लोर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस किसी भी टॉपिक पर आप, जिस किसी भी कीवर्ड पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो कीवर्ड आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। जो सर्च वॉल्यूम है, जो लोग सर्च करते हैं, अगर वो बहुत हाई है और जो कंपटीशन है वो बहुत कम है तो आपको उस कीवर्ड पर आपको वीडियो बनानी है। अगर आप जो लोग सर्च करते हैं वो ज़्यादा है और जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा है तो आपको उस कीवर्ड पर आपको वीडियो नहीं बनानी है। और इस एप्लीकेशन में आप कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ आप जो अपने वीडियो में जो टैग आप जो यूज़ करते हैं वो कौन से टैग कितने नंबर पर रैंक कर रहे हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए ये बेस्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारा सेकंड एप्लीकेशन है टैग्यू। टैग्यू एप्लीकेशन को आप यूज में ले सकते हो। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो को वॉच कर रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि उस वीडियो में वो भाई साहब ने कौन से टैग को यूज किया था, तो वो देखने के लिए आपको उस वीडियो के नीचे जो शेयर बटन आपको दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैग्यू एप्लीकेशन नीचे आपको दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको चेक पर क्लिक करना। जैसे आप चेक पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी उस बंदे ने जो टैग यूज़ किए थे अपने वीडियो में सारे के सारे टैग आपको नज़र आएंगे। तो आपको जो भी टैग आपको पसंद आते वो आप कॉपी कर अपने जो वीडियो का जो टैग सेक्शन होगा वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप टैग्यू एप्लीकेशन में कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो। इस एप्लीकेशन से आप दो काम कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के टैग्स को आप देख सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये ऐप भी बहुत अच्छा है, तो यूज़ करना। तीसरा एप्लीकेशन है दोस्तों, वो है दोस्तों एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आप अपने मोबाइल पर कोई फोटो एडिटिंग करते हो या फिर गेम प्ले करते हो तो उसके लिए आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन चाहिए। तो स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन वैसे तो बहुत सारे हैं मार्केट पर, बट जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आपको एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर से आप अपने जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो वो बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। जो इस अभी वीडियो में जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो भी मैं इस एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर से, मैं अपने जो सारे जितने भी वीडियोस जो स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ सब इसी एप्लीकेशन से करता हूँ। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो। और हमारा चौथा एप्लीकेशन है कॉपी टेक्स्ट स्क्रीन। इस एप्लीकेशन को आप यूज़ में ले सकते हो। आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करना है, यूट्यूब पर जाना और सर्च बार पर आपको सर्च करना। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ थंबनेल कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने सर्च किया तो सारे रिजल्ट आपको दिखाई देते। तो आपको करना क्या है, सो उसका स्क्रीन शॉट आपको ले लेना है। उसके बाद आपको जो कॉपी टेक्स्ट स्क्रीन है इस एप्लीकेशन पर आपको जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे तो जितना भी वहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो वर्ड्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ जाना है, आपको पेस्ट कर देना है। तो आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। ओके, और हमारा पांचवा एप्लीकेशन है वो है दोस्तों वाईटी स्टूडियो। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, कितने व्यूज़ मिले हैं, कितने लोग कमेंट्स करे, आप उसका रिप्लाई दे सकते हो, हर्ट्स दे सकते हो, अपने वीडियो का जो थंबनेल है उसको चेंज कर सकते हैं, थंबनेल और जो टाइटल है उसको चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं और जो टैग्स है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आप सारा कुछ डेटा चेक कर सकते हो, कहाँ से आपको
जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हो कितने परसेंट देख रहे हो और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितनी अर्निंग हो रही है, सब कुछ आप एक इसी एप्लीकेशन से देख सकते हो, YT स्टूडियो एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन हर एक यूट्यूब क्रिएटर के मोबाइल पर होता है। तो अगर आप भी एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर है तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर रखिए और अपने चैनल का सारा एनालिटिक्स इस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हो। और हमारा छठवां एप्लीकेशन है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा की मदद से आप अपने वीडियोस को शूट कर सकते हो और उसके साथ साथ आप अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो आप उसी मोबाइल से वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। जहाँ पर भी आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो जो आपका बैकग्राउंड नॉइस है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको कम करने के लिए एक सेटिंग बताता हूँ, उसको अप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ओपन कैमरा ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स पर चले जाना है। जाने के बाद आपको करना है तो ऑडियो सोर्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो ऑप्टिमाइज फॉर कॉल से आपको ये सेटिंग्स आपको करना है, जिससे आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जो आपकी वॉइस है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती है। तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपके पास दो मोबाइल है तो आपको करना क्या है, तो एक मोबाइल से जो आपका अच्छा जो मोबाइल है जिससे जो कैमरा अच्छा है उसके जो मेन जो बैक कैमरा होता है उससे आपको आपका वीडियो शूट करना है, जो आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और जो सेकंड मोबाइल है उससे आप अपनी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो वॉइस है वो अलग मोबाइल से होगी और जो आपका वीडियो शूट होगा वो अलग मोबाइल से होगा, तो इससे आपका जो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी है वो एकदम से एक नंबर आने वाली है। ओके, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। और हमारा सातवां एप्लीकेशन है कैनमास्टर। कैनमास्टर एप्लीकेशन को आप यूज़ में ले सकते हैं वीडियोस एडिटिंग के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो कैनमास्टर है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से 90% यूट्यूबर्स कैनमास्टर यूज़ करते हैं और अपने मोबाइल से अपने वीडियोस को एडिट करते हैं। तो आपको भी अपने मोबाइल पर कैनमास्टर एप्लीकेशन रखना चाहिए, क्योंकि जो कैनमास्टर है वो सबसे बेस्ट है। मैं भी कैनमास्टर से अपने सारे वीडियोस को एडिट करता हूं। अगर आप कैनमास्टर से वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में।